तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। जे उसो इस समय बन चुके हैं न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इस बार के मंडे नाइट रॉ पर। उसके बाद यहां पर रिया रिपन डोमिनिक मिस्टर के बारे में आखिर क्या कहा, डोमिनिक मिस्टर इसके बारे में सुनकर उनकी क्यों फट गई। उसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर का ऐसा मानना है की उनके बीच ये जो मैच होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा और हो सकता है की इसमें ब्लीडिंग भी हो जाए। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो रेसलमेनिया का मैच होने वाला था वो यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है WWE की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जे उसो को लेकर। जे उसो कल के मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पर एक बार फिर से ब्रॉन ब्रेकर को हरा कर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बन चुके हैं। हालांकि गाइस यहाँ पर जे उसो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद उन्होंने यहाँ पर 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है खुद का। वैसे गाइस जे उसो का जो डेब्यू हुआ था यहाँ पर डब्ल्यू में वो 2014 में हुआ था और तब से लेकर अभी तक जे उसो एक बार भी यहाँ पर सिंगल मैच ऑफिशियली नहीं जीत पाए थे। ये पहला मैच उनके कैरियर का है जो यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बने हैं। जी उसो को चैंपियन बनने के बाद यहाँ पर ट्रिपल एच उनके साथ खुद यहाँ पर पर्सनली मिलते जाते हैं और उनको यहाँ पर कांग्रेट्स भी बोलते हैं उनके चैंपियन बनने के लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर एनॉय फैमिली में जी उसो पांचवे ऐसे मेंबर हो जाएंगे जो यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने हैं। वैसे जी उसो से पहले ये पांच ऐसे रेसलर इनके फैमिली थे जो ऑलरेडी यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर रिया रिपली भी यहाँ पर जी उसो को कांग्रेट्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं उनके टी शर्ट ईट का यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार का एडवर्टाइज किया है। उसके बाद नेक्स्ट इस बार के प्रीमियम लाइव इवेंट में यहाँ रिया रिप्ले ने यहाँ पर काफी पूरी तरह से चैलेंज कर दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को किस तरह उनको सार के केज पर लटकाने वाली है। वैसे ये रिया रिप्ले का धमकी सुनकर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो और ली मॉर्गन से रहा नहीं जाता। वैसे आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर को कुछ ऐसे ही होने वाला है यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया जो की होने वाला है 2025 में। वैसे गाइस इस बार का जो प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि रेसलमेनिया मैच होने वाला वो होगा यहाँ पर 19 और 20 अप्रैल को और इसका जो टिकट बुकिंग अवेलेबल हो जाएगा ये होगा 23 और 24 अक्टूबर से। इस बार का जो रेसलमेनिया ये भी होगा यहाँ पर लास वेगास यानी अमेरिका में। क्या होगा गाइस अगर इस बार के रेसलमेनिया में ये तीनों मैच आपको देखने को मिल जाए, पहला रॉमन रेंज वर्सेस द रॉक, उसके बाद कोडी रोड हो सकता है फिर जॉन सीना के बीच, उसके बाद फाइनली तीसरा देखने को मिल जाए यहाँ पर जे उसो वर्सेस गुंथर के बीच। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट रूमर से यहाँ पर जिला फातो को लेकर की जिला फातो यहाँ पर WWE के NXT रोस्टर बन चुके हैं, हो सकता है की इनका यहाँ पर ब्लड लाइन में एक बार फिर से एंट्री हो जाए। हालांकि गाइस इस पर अभी कोई भी यहाँ पर कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है पर हो सकता है की इस प्रकार का कुछ देखने को मिल जाए। उसके बाद गाइस यहाँ पर आज है 25 सितंबर जहाँ यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन का बर्थडे है और वो यहाँ पर 48 साल की हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर का ऐसा मानना है कि इस बार के ब्रैड ब्लडलाइन इवेंट में यहाँ पर वो सीएम पंक का ब्लीडिंग करने वाले हैं। वैसे गाइस इस मैच को देखने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस मैच को लेकर काफी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच। वैसे गाइस इस बार के मंडे नाइट रॉ में हमें यहाँ पर कुछ नया लोगो देखने को मिला, आप देख सकते हैं किस प्रकार का है ये। वैसे गाइस आप ये बिलीव नहीं करोगे कि ये रिक प्लेयर का यहाँ पर 5वीं या 6वीं शादी थी जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यही रहे आज के सारे रूमर्स के रूमर्स और न्यूज अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।